बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, जूलॉजी का सेकंड पेपर है। 4 तारीख को एक पेपर होने वाला है, 4/7/2022, 4 जुलाई को एक पेपर होने वाला है थर्ड ईयर वालों का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन फंसे हैं, ये आप सभी को बता होगा। और एक एक लॉन्ग के लॉन्ग तीनों क्वेश्चन फंसे हैं, वहीं आपके शॉर्ट के 3 क्वेश्चन फंसे हैं। 2 क्वेश्चन आपका शॉर्ट के नहीं फंसे थे फर्स्ट पेपर में। आप खुद जानते हो हम सभी क्वेश्चनों को नहीं बता सकते जो पेपर में, क्योंकि यार कुछ छुपाना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके आएंगे आप तक, क्योंकि हम आपको दिल से प्यार करते हैं, समझ रहे ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अब मैं अपने काम को छोड़कर, खुद पढ़ाई को छोड़कर आपको क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इतना जो भी मैं आपको 10-15 मिनट दे रहा हूँ, कुछ बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ती है फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर के लिए, तो कुछ यार मेहनत मुझे भी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है क्या से करूँ मैं, किससे दिमाग लगाना पड़ा, सबसे बातें करनी पड़ती है टीचरों से, क्या हो सकता है आज बताओ, कैसे कैसे सही रहेगा, तो वो सब कुछ कैश करके हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो यार समझो थोड़ा सा, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों को मुझसे भी वादा करो, आप मुझसे अभी वादा करो, जितने भी दोस्त हैं आप सब मेरे दोस्त हैं, आप मुझे वादा करो और वादा करो कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और कैसे ही कॉलेज में जाएंगे, अपने क्लास में बैठेंगे, सबसे पहले आप कॉलेज में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, जो भी छात्र होते हैं हम लोग कुछ बातें करते हैं, जब हम पहुँच जाते हैं पहले 10-15 मिनट पहले पहुँचते हैं हम लोग, तो कुछ बातें करते हैं आपस में, जब वो बातें जो करते हैं ना उस समय आप पेपर हैकर की जिक्र करेंगे अपने स्टूडेंटों से, आप आस वालों को। कुछ छात्र कहता है कि भैया दिखाइए कैसे कैसे कर रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे कहते हैं ना, पहले दिखाइए देखिए थोड़ा सा कॉपी लचा के लिखिए, ऐसा कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा तिरछा करके लिख मैं भी देख ले रहा हूँ, यस ऐसा मत करो यार, ठीक है। उनसे कहो कि पेपर हैकर से पढ़ के जाओ और बस अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही ना आएगी। कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो बना बना के लिख दो, समझ रहे हैं ना यार। क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं कि 2 दिन पहले तैयारी करके आप ला सकते हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ के आप ला सकते हैं 70%, मतलब कि 30% क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आपको बताऊंगा वो 30% बाहर जाएगा उससे। अगर 30% बाहर जाएगा तो अब वो क्वेश्चन क्या करोगे, आप बना बना के लिख के आओगे, यही करोगे ना, बना बना के लिख के आओगे। और जिन छात्रों के MCQ भी आ रहे हैं, 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग के 6 क्वेश्चन बनते हैं 3 क्वेश्चन करना होता है, शॉर्ट के 8 क्वेश्चन बनते हैं 5 क्वेश्चन करना होता है, बहुविकल 5 क्वेश्चन बनते हैं 5 की 5 करना होता है, मतलब 13 क्वेश्चन करना है, 19 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाते हैं पूरे पेपर में, समझ रहे हैं ना। तो जो 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हमारी PDF को डाउनलोड कर लो, PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारी प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च करिए पेपर हैकर BSc थर्ड ईयर जूलॉजी MCQ, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमने आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं जो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम आपकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं, आपकी हर दिक्कत को समझते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं क्या सोचता हूँ और आप क्या सोचते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यार दिल से आप सबको मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर आपको दे रहा हूँ, इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है, फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर स्टेटस लगा दो, व्हाट्सअप आप चला रहे हैं, व्हाट्सअप ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो चलाता ना होगा, स्टेटस लगा दो एक बार वीडियो का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर हैकर ऊपर लिख देना, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल, और लिंक दे देना, कोई टच करेगा सीधे वीडियो पहुँचेगा और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं, बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो 4 जुलाई के पेपर में कौन कौन से आपको पढ़ के जाना है। 2 दिन पहले आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप 70% प्लस लाने वाले हैं, मतलब कि पेपर लीक, समझ सकते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अब यहाँ ध्यान से देखो और वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, यहाँ देखो क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है, यदि नोट्स वगैरह नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है, यहाँ बोला गया है इस क्वेश्चन को यहाँ से ना छोड़कर, ना इसको यहाँ से छोड़कर, इस क्वेश्चन को यहाँ से छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करिए, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका योगदान क्या है हमारी लाइफ में, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन 100% पेपर में छप रहा है, रट के जाना है, इसको कहते हैं ना रट, रट के जाना है, ठीक है, जाना है, ठीक है ना, जाना है, ठीक है, रट के जाना है। अब यहाँ देखो जीन क्लोनिंग क्या होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो 2 क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं, जीन इंजीनियरिंग क्या होता है, यांत्रिकी पर निबंध आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, रट के जाना है, रट के जाना है, रट के
जाना है। चलो उसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा, ये मत करना ये शॉर्ट में बनेगा, ये दोनों लॉन्ग में क्वेश्चन बनेंगे, ये भी लॉन्ग में बनेगा, ये भी लॉन्ग में बनेगा, ठीक है, ये भी लॉन्ग में, दोनों लॉन्ग में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ बोला गया है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऊर्जा का संकट निपटारा कैसे करेंगे, ये बाद में लगाएंगे हम लोग, पहले हम देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, इसको छोड़िए। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्रतिरोधक शक्ति कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है, एक टी लिम्फोसाइट्स एक बी लिम्फोसाइट्स, इन दोनों को प्रतिरक्षक कण के बारे में बता देना, दोनों को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोफोरेसिस सिद्धांत, इसको आप पढ़ के जाना है, और इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी पढ़ के जाना है, समझ रहे हैं। एक है क्रोमेटोग्राफी, इसको इसका सिद्धांत क्या है, आप इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। सहसंबंध क्या होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ये क्वेश्चन शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप इसको पढ़ के जाएंगे, ये भी आपका शॉर्ट में देखने को मिलेगा। मानक विचलन शॉर्ट में देखने को मिलेगा। इसके दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, इसके तीनों पार्ट को याद कर लेना। तीनों पार्ट कौन कौन से होंगे, देखो ये है, यहाँ नीचे दिखा देता हूँ तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, ये वाले, एक है मध्यिका और बहुलक, इसके तीन पार्ट होता है इसके, ठीक है, मानक विचलन के तीनों पार्टों को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है मानव जीमोन प्रोजेक्ट क्या होता है, मानव जीमोन प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को रट के जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, ठीक है। मध्य विचलन को देना, मैन विचलन इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे और आप देखेंगे ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, पॉलीमरेज़ श्रृंखला, जिसे हम PCR बोलते हैं, और ये DNA फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट के जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जीन बैंक, इसे हम जीन लाइब्रेरी बोलते हैं, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा, जीन प्रिंटिंग ये भी शॉर्ट में देखने को मिलेगा। चलो शॉर्ट के आधार पर तैयारी करना है आपको, ठीक है, बाकी यहाँ कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं पढ़ना। हिस्टोग्राम पर टिप्पणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है SDN फेज, इसकी तकनीकी, ये क्वेश्चन देख के जाएंगे, ठीक है। और हाइड कह सकते हैं हाइब्रोडियम तकनीक टेक्नोलॉजी जो होती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, एक बार पढ़ लेना तो आप बना बना के लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़ों का संग्रहण संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, ये देखो संग्रहण एवं संरक्षण, इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। pH मीटर को आप पढ़ लेना एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ लोगे, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ और नहीं देखना, काम हो जाएगा इसमें ही, बल्ले बल्ले हो जाएगी आप सभी की, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है और काम आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को आ रही है कहीं से कहीं तक, तो आप हमें WhatsApp पर कॉल करिए, मैसेज करिए, YouTube पर सॉरी कमेंट करिए, और ये हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और अपनी जो भी दिक्कत आई आपके पेपर में उसका हमसे कुछ तरीके जान सकते हैं उसको सुधारने के, ठीक है। और सभी लोग एक बार मुझसे वादा करो, पेपर होते ही आप पेपर को तुरंत सेंड करेंगे मेरे WhatsApp नंबर 7070373278 पर, तुरंत आप सेंड करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, सबको बताएंगे पेपर हैकर के बारे में। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। लव यू सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर का करके आना है, पूरा भर के आना है, ठीक है, डरना नहीं है। कोई क्वेश्चन छूट भी जाए उसको बना बना के कर दो, लेकिन छोड़ के नहीं आना, कुछ भी हो जाए, सही है। बाकी MCQ क्वेश्चन को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर प्ले स्टोर सर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर paperhacker.in वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर टच कर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।